हाय फ्रेंड्स, आपकी कार नई हो या पुरानी, उसमें सीट बेल्ट तो जरूर होगी, लेकिन मेरा पर्सनली एक सवाल है कि क्या आपकी कार में एयर बैग भी है? नई गाड़ियों में तो आजकल कंपनियां फिट करके दे रही है, मैंडेटरी है इंडिया में, बिना उसके आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है तो हो सकता है उसमें आपको एयर बैग ना मिले, जो एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी भी गाड़ी में मात्र 900 रुपए में एयर बैग लगा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ऑटोनेस्ट, मेरा नाम है अंकित पाल। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आप कैसे मात्र 900 रुपए देकर अपनी गाड़ी में एयर बैग लगवा सकते हैं। और साथ ही में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताएंगे कि कार की सीट बेल्ट और एयर बैग के बीच में क्या कनेक्शन होता है, इससे आपकी जान भी बचेगी और साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को पूरी तरीके से सिक्योर कर पाएंगे एक्सीडेंट के केस में। क्या है ये पूरी चीज, जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो एंड तक। और साथ ही में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी गाड़ी में एयर बैग है, कितने हैं, और अगर नहीं है तो क्या आप 900 रुपए में उसे अपनी गाड़ी में लगवाएंगे। भारत के मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की रोड एक्सीडेंट में मौत क्या हुई, लोगों में भी डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। सरकार भी इस वक्त पूरी तरह जाग चुकी है और लोगों को जगा रही है। देश भर में काफी सारे जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों को आगे और पीछे की सीट बेल्ट लगाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। लापरवाह लोग भी इन दिनों फुल जोश में हैं और गाड़ी की पिछली सीटों में दबी सीट बेल्ट को ढूंढ रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने पीछे की सीट बेल्ट कार की डिग्गी की तरफ कहीं अंडरग्राउंड ही कर रखी थी। खैर, सीट बेल्ट तो मिल गई, अब इसे लगाने की बारी आई है। वैसे क्या आप जानते हैं, अपने देश में करीब 50% लोगों की ये गलतफहमी थी कि सीट बेल्ट लगाएं न लगाएं, कार में लगे एयर बैग तो जान बचा ही लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपकी ये गलतफहमी आज हम दूर करेंगे। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कारों में लगे एयर बैग का सिस्टम सीधा आपकी सीट बेल्ट से कनेक्टेड होता है। इस सिस्टम को सप्लीमेंट रिस्ट्रेंट सिस्टम कहा जाता है, जिसका काम है सीट बेल्ट की सप्लीमेंट यानी सपोर्ट करना और सपोर्ट करके बेल्ट के सेफ्टी सिस्टम को और मजबूत करना। आप इसे डबल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। दोस्तों, एयर बैग का गलत इस्तेमाल भी आपकी जान ले सकता है। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और अचानक सामने कुछ आ जाता है, आपको ब्रेक लगाने का मौका तक नहीं मिलता और कार किसी से टकरा जाती है। इंस्टेंट एक्सीडेंट की इस कंडीशन में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और सिर्फ एयर बैग के भरोसे कार चला रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी जान वाकई राम भरोसे है। बिना सीट बेल्ट एयर बैग खुले ना खुले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो आपको वाकई मिलती है डबल प्रोटेक्शन, क्योंकि भयंकर एक्सीडेंट की कंडीशन में सीट बेल्ट आपके शरीर को जकड़ कर रखती है, बॉडी को स्टेयरिंग या डैशबोर्ड से टकराने से बचाती है और सीट बेल्ट से कनेक्टेड एयरबैग खुल जाते हैं, जिसकी सॉफ्ट कुशनिंग आपकी गर्दन, सिर, चेस्ट और फेस को प्रोटेक्ट करती है, जिससे आप कोलिजन की कंडीशन में भी हार्ड एलिमेंट से नहीं टकराते और बच जाते हैं। इंडिया में ज्यादातर कारों में एयरबैग सीधे ड्राइवर की सीट बेल्ट से कनेक्टेड होता है। एयरबैग का सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर कार चालक ने सीट बेल्ट लगा रखी है तभी सारे एयरबैग अच्छे से डिप्लॉय होंगे, वरना ज्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आप भी जानते हैं कि शहर हो या हाईवे, अगर आप अपनी कार से सफर कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के बारे में भी आपको ही सोचना होगा। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपकी गाड़ी नई है तो आपको 900 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर छोटी से बड़ी कार सेफ्टी के हर पैरामीटर पर ध्यान दिया जा रहा है। एयरबैग्स और ब्रेकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए ABS तो हर कार में मैंडेटरी हो गया है। नए जमाने की हर नई कार में अब भी पैसेंजर के लिए एयरबैग लगा लगाया आएगा। लेकिन आपकी कार पुरानी है और उसमें पीछे एयरबैग नहीं लगे हुए तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 900 रुपए खर्च कर आप अपनी और अपने परिवार वालों की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, अनजाने में जो गलती साइरस मिस्त्री ने की, आप उसे मत दोहराइएगा। सड़क पर चलना है तो नियम और कानून का पालन जरूर करिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपका वक्त और पैसा बचाता है बल्कि मुसीबत के वक्त आपकी जान भी बचाता है।